डाली डाली फूलों की। आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला, आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी हूँ एकदम बढ़िया। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मनीषा उत्तराखंडी पे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह 10:30 बजे से, और मौसम है पूरा साफ, हल्के हल्के बादल है। अभी नाश्ता वगैरह हो चुका है और अब हम निकल रहे हैं ऑफिस को। ऑफिस के बाद हम जाएंगे आज कैची धाम मेले में। आज रोड पे ऐसे टेंट वगैरह लगे रहते हैं क्योंकि लोग अपनी तरफ से जो भक्त आए होते हैं उनको नाश्ता पानी वगैरह देते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 3:30 और मैं निकलने लग गई हूँ ऑफिस से, क्योंकि मैं जा रही हूँ कैची धाम मंदिर में। हर साल यहाँ पे 15 जून को मेला लगता है और हम लोग पहले सुबह जाने वाले थे, लेकिन सुबह भी हमें पता लगे कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, इस वजह से हम सुबह नहीं गए, अभी शाम को जा रहे हैं। फिर देखते हैं कितनी भीड़ है, क्या भीड़ है। मैं यहाँ पे डालती हूँ एक सुबह के क्लिप, आप देखो उसमें कितनी ज़्यादा भीड़ है। अपना इतनी भीड़ तो लेते हैं, दिन में होती है वो भी 1-2 घंटे के लिए। तो 4-व्हीलर जो है ना, अपनी पर्सनल गाड़ी है, उनको यहीं पे रोक दे रहे थे। यहाँ से लोग टैक्सियाँ ले रहे थे, सुबह तो 2-व्हीलर भी आगे जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर 2-व्हीलर को आगे जाने दे रहे थे। फिर 2-व्हीलर आगे मार्केट में जाके रोक के पार्किंग में लगा रहे थे। फिर वहाँ से हमने ली बस और हम चले बस में, फिर हम चले मार्केट की तरफ। फिर हमें बस ने आधे रास्ते पे छोड़ दिया था क्योंकि गाड़ी आगे जाने दे नहीं रहे थे। तो वहाँ से हम चले फिर पैदल पैदल मंदिर की तरफ। मंदिर देख गए, अभी हमें वो नीचे मंदिर तक पैदल पैदल जाना है। यहाँ ना मंदिर में कल रात 2-3 बजे से लाइन लगनी शुरू हो गई थी, और अभी शाम के 4:30 बजे हम लोग आए। हमने सोचा कि लाइन थोड़ी कम होगी, लेकिन अभी भी भीड़ तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो वो देखो, वो मंदिर से लेके वैसे मोड़ से लेके उधर पीछे तक पूरी की पूरी अभी लाइन लगी हुई है दर्शन के लिए। तो चलो अब हम भी लग चुके हैं लाइन में, देखते हैं कितने टाइम में आते हैं हम। तकरीबन 1.5-2 घंटा लाइन में खड़े होने के बाद फाइनली मेरा नंबर आ गया और मैं प्रसाद लेके आ चुकी हूँ बाहर। मंदिर के अंदर फ़ोन ले जाना ना अलाव नहीं होता, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। फिर हमको मिले बुआ लोग जिनके साथ हमने फोटो खिंचवाई। जैसे ही हम मंदिर से निकल के घर के जाने के लिए ऊपर रोड पे आए और रोड पे देखा कि इतनी लंबी लाइन लगी हुई है टैक्सी के लिए, बस के लिए, तो मैं तो हिम्मत हार चुकी थी और मैं बैठ गई थी। इन्होंने ली फिर गाड़ी, 1 घंटे का वेट करने के बाद हम लोग बैठे बस पे। फिर बस वहाँ से हम पहुँचे पार्किंग में, पार्किंग से हमने ली फिर अपनी बाइक, फिर हम चले रूम की तरफ। 9 बज चुके हैं शाम के और हम लोग जस्ट अभी रूम पे पहुँच ही रहे हैं, थोड़ी देर पहले 10 मिनट हुआ है। हम लोग घर को आ रहे थे तब भी वहाँ लोग जाने में ही थे, क्योंकि लोकल जो होते हैं वो लोग शाम को ही जाते हैं। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं रूम पे और अब मैं बनाती हूँ शाम का डिनर। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, एंड जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और उसके बगल में एक बेल आइकॉन होगा उसको भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और अब मैं लेती हूँ बाबा जी का प्रसाद। हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ प्रसाद में वहाँ से क्या मिलता है, जूम करो। तो वहाँ से मिलती है आलू की सब्जी और ये मालपुए, जो कि ना प्योर देसी घी में बने हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो आज के वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और तब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपना ध्यान रखे। गुड नाइट। डाली डाली फूलों की।